गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त। और हमारी शिवरात्रि की सुबह हो गई है बहुत ही अच्छे खुशी के साथ। हर हर महादेव। तो चलिए, हर महादेव। तो चलिए, सुबह सुबह आरती भी हो चुकी है और आपको हमारे महादेव जी के दर्शन करवा देती हूँ। आज तो बहुत खुशहाल है फैमिली के साथ। हाँ जाइए। तो देखा कितने अच्छे से खुशहाल सज रहे हैं आज तो। और आज फिर अभी चौक पर निकल रहे हैं, 5 बज गए हैं। सुबह जल्दी उठ गए थे, सब अच्छे से हो गया है तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, शिवरात्रि की सुबह हो गई और हम चलते हैं अभी जॉब पर, वापस आकर मिलते हैं आपसे। और आज तो थोड़ा जल्दी जल्दी सब करना पड़ेगा, शाम को मंदिर भी जाएंगे और हम हमारी नए घर की शुरुआत देखते हैं आज क्या रहता है। महादेव जी का आशीर्वाद रहा तो आज हमें की मिलेगी और हम थोड़ी सी पूजा जो भी करनी है वो अच्छे दिन से महादेव जी के आशीर्वाद से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर तो ऑफकोर्स भजन ये सब हो बहुत कुछ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाद में मिलते हैं आपसे। जनक पूजा कर रहे हैं तो फ्रेंड्स जा रहे हैं हमारे नए घर पर। जॉब से आ गए और फटाफट से सब कुछ रेडी कर दिया और ये देखिए कलश भी हाथ में ही है। तो लेकर चले चलते हैं हमारे नए घर। होप सो कि दे दे, पहले तो सब तैयारी करके तो हम निकल पड़े हैं। बस देखते हैं महादेव जी का आशीर्वाद जो भी हो तो बस, और फिर आकर जाएंगे मंदिर। तो लग तो रहा है पब्लिक होगा वहां पर तो, पर कुछ नहीं, ये अच्छे से हो जाए एक बार हमारा घर का आज अच्छे दिन पर। हाँ तो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तुरंत ही हाँ, सब कुछ घर से ले लिया है। घर आकर पहले वो सब रेडी कर दिया, फिर सक्करिया वो सब बेक करके आई हूँ जितना हो पाए, क्योंकि हमें आधा थोड़ा लेट हो गया था आज वापस। 4:30 हो गए थे तो फटाफट से कितने चार ना तोड़ के भी थे, साढ़े तीन हो गए थे। फिर आकर सब जल्दी से रेडी कर दिया तो हो गया, और अब चलते हैं। और फाइनली आप देख सकते हो आज कुछ अलग सा ड्रेस दिख रहा है ना, क्योंकि मैं लेकर गई थी जॉब पर के टाइम मिला तो ब्रेक टाइम में निकाल दूंगी सिलाई, पर इतना बिजी था कुछ नहीं कर पाई। जैसे जैसे तो ब्रेक लिया आज मैंने तो नहीं हुआ, फिर घर आकर जल्दी से वो किया, चाय पीते पीते, पर फिर भी थोड़ा सा टाइट ही है तो कुछ नहीं, आज पहन लेते हैं श्वास ऐसा करके। ऊपर नीचे करके श्वास को थोड़ा संभाल लिया है अंदर से, बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना एक दिन, फिर वापस निकाल दूंगी छुट्टी में। तो चलिए आ गए हैं यहाँ पर योरी कम्युनिटी की ऑफिस बड़ी वाली। तो बस चलिए पार्किंग लॉट में पार्क कर देते हैं और फिर चलते हैं अंदर। वहाँ के तो मैं किले आओ सो चलिए देखिए सही में। तो बस हम घर आ गए हैं। तो ये रहा हमारा 216। तो पूजा हो रही है, थोड़े नमाज कर दो। हाँ तो यहाँ USA में तो हम ज़्यादा कर नहीं सकते, तो बस भगवान का नाम लेके गणपति बप्पा मोरिया हर हर महादेव। और ये देखिए इसका टोटल होता है 7 टोटल, 2 and 7। तो किसी की बर्थडे भी आती है। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। तो ये देखिए सब पूजा का सामान लेके आए हैं, तो अभी यहाँ सब पूजा कर लेंगे। और ये रहा हमारा किचन, तो थोड़ी सफाई भी कर लेते हैं और फिर सब पूजा कर लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। Thank you.
नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
गणपति बाप्पा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव। अगर मैं टूटने कर दो है ना, जी फ्रेंड्स बहुत खुश है हम, क्योंकि बहुत अच्छे से पूजा हो गई हमारी। तो मस्त जो सोचा था कि शिवरात्रि के दिन, और उसी दिन अच्छे से मस्त, वो भी टाइम देखकर अच्छे से देखा था कि 5 बजे का था, इसीलिए उसी टाइम से हम आए, और उसी टाइम से एग्जैक्टली जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। तो बस जय महादेव, उनका आशीर्वाद होता है तो ही सब कुछ होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। यस, शिवरात्रि के दिन हमने घर प्रवेश कर दिया। तो बस यहाँ पर जनक की देने गए हैं, उन्होंने बोला था 30 मिनट्स बोला था हमें, तो अच्छे से उतने ही मिनट में हमने अच्छे से पूजा और आरती सब कुछ कर लिया, पूरे घर में धूप भी कर दी ताकि पॉजिटिव एनर्जी, धूप करने से ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी सी खुशबू सब कुछ मतलब अच्छा रहता है। तो मैं धूप ऑलवेज रखती हूँ जब भी आरती करती हूँ या कुछ भी घर में, सुबह एक धूप कर ही देती हूँ ताकि अच्छा रहे घर में पॉजिटिविटी। तो बस कुछ इस तरीके से अच्छे से हो गया है, और हमने एक छोटा सा टेबल ऑर्डर किया था वो भी आज आ गया है। तो आज हम कुछ भी नहीं लाए थे साथ में, क्योंकि पता नहीं था कि वो करने देंगे यार नहीं, तो फिर सब सामान लेकर आए थे रेडी होकर, और उन्होंने हाँ बोला तो फिर जल्दी से निकल गए वहाँ पर और कर लिया सब कुछ। बस अभी हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली संडे को अमास है, तो उस दिन फिर घर प्रवेश करना और वो अच्छा नहीं रहता, इसीलिए आज हो गया है। तो अभी कोई बात नहीं है, अभी हम संडे को जो भी कुछ मूव करना होगा तो वो कर सकते हैं, या फिर कल भी देखते हैं। अगर नहीं, पर कल तो चाबी नहीं मिलेगी ना, कि उन्होंने संडे से बोला है तो संडे से होगा सब, और संडे ऑफिस लेट खुलती है तो 12 बजे के बाद शायद, तो तब देंगे। और ये देखिए जनक आ रहे हैं उधर से चलते चलते, वो की लेकर आए हैं, तो बहुत खुश है आज तो वो भी क्योंकि अच्छे से सब कुछ हो गया है ना, तो बहुत खुश है। और ऑफ कोर्स हमारी इच्छा बहुत थी कि घर का जो हम जब से सोच रहे थे ना, तभी सोचा था कि अच्छे दिन से बसंत पंचमी का सोचा था, तो उसी दिन पर ही एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम जब यहाँ पर फिक्स करना था ना, उस दिन हम शिवरात्रि का देखना हमें पता नहीं चला, तो उस दिन फिर जल्दी जल्दी में यहाँ पर बैठे बैठे बुक करना था टाइम, तो हमने वो हमारी छुट्टी के हिसाब से संडे बोल दिया उनको। फिर पता चला कि महाशिवरात्रि तो फ्राइडे को है, तो अभी वापस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ फिक्स हो गया था, एग्रीमेंट बन गया। हाँ, एक बार एग्रीमेंट रेडी हो गया था सब कुछ, फिर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर वापस हमने उनको, जनक उस दिन आगे आए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला कि सिर्फ ऐसे रिचुअल हमें थोड़ा सा करना होता है, तो संडे को अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो हम सिर्फ आप थोड़ा टाइम दो तो कर सकते हैं, तो उस हिसाब से रिक्वेस्ट अच्छी सुन ली उन्होंने। वैसे बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, तो वो सब अच्छा रहा, तो उस हिसाब से फिर कर लिया। यस, है ना। चलिए तो अभी घर जाकर फिर देखती हूँ जल्दी से अगर साबुदाना की खिचड़ी बना। ना, 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 ना। टाइम नहीं लगेगा, खाली देखते हैं फिर। चलिए अभी डायरेक्ट जाकर मंदिर निकलते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत, लास्ट ईयर तो मैं जॉब से शाम को निकल के गई थी, तो शायद 6:30 बजे मैं जॉब से निकली थी फिर गई थी। ओ माय गॉड, आई थिंक 1.5 माइल तक तो लाइन होगी ही, इतनी लाइन थी कार की। तो और बहुत अच्छी बात हुई थी कि उस टाइम मुझे आरती का लाभ मिल गया था, मैं गई थी और आरती शुरू हो गई थी रात की, शाम की मतलब, तो अच्छे से वो हुआ था। और चलिए बाहर का व्यू था, चलो बाद में दिखा देती हूँ। बहुत नज़दीक है ये, देखिए यहाँ पर हमारा है ना
ये बगल के बस ये आगे जाके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑफिस से निकले ना फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट में सिर्फ हम मेन रोड पर जाएंगे और आगे की ही कम्युनिटी में टर्न ले लेंगे, वो अभी यहाँ हम रहते हैं। ये देखिए कितना नजदीक, तो शायद सामान वो शिफ्ट करने में भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा कुछ है नहीं फर्नीचर में ऐसा कुछ, तो वो टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ वो छोटा छोटा ही सब कुछ है, मोस्टली तो किचन रिलेटेड ज्यादा है तो वो सब। और आज सुबह एक बात अच्छी हुई कि मैं सुबह मैं तैयार हो रही थी ना, तो जनक ने थोड़ा सा पैकिंग भी कर लिया, उन्होंने फटाफट से सब कुछ ड्रॉवर से वो सब निकाल के बैग में रख दिया, तो वो सब भी अच्छा हो गया कि शिवरात्रि के दिन से ही पैकिंग भी थोड़ी हमारी शुरू हो गई फाइनली, जो हम 2-3 दिन से आज करेंगे बोल रहे थे, तो आज से ही वो भी शुरुआत हो गई हमारी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम जितना भी सोचे जितना भी बोले कि आज करेंगे ये करेंगे, पर जिसका जो सही टाइम होता है ना वो वही टाइम पर होता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस वही समझ के चल लिया कीजिए। तो चलिए ये देखिए आ गए हमारे कम्युनिटी में, बात करते करते कोई टाइम नहीं लगा, ये टर्न मार लिया कुछ ने एक गली से निकल के दूसरी गली में समझ लीजिए। तो बस चलिए इसे जल्दी से घर जाकर फिर मुझे वो दूध और वो सब करना है, वो सब लेकर फिर निकल तुरंत ही निकल गए घर से, और हमारा मिल्क और फूल वो सब भी ले लिया है, और इस बार हमें बिली पत्र नहीं मिला, उस दिन गए थे ना लास्ट टाइम तब थे, तो हमने सोचा कि चलो उस दिन लिया नहीं, तो एक भी नहीं, एक पत्ता तक नहीं था, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म उधर। ये देखिए फ्रेंड्स लाइन जा रही है, ये सब मंदिर के लिए। तो शाम के मतलब अभी वीक डेज होते हैं ना, तो सब लोग 5-6 बजे के बाद ही फ्री होते हैं, इसलिए ऑफ कोर्स शाम को ही सब दर्शन करने आएंगे ज़्यादातर, तो इसीलिए लाइन लगी पड़ी है अभी तो। और हमारा तो कल चालू है, पर अच्छी बात है कि कल सैटरडे संडे है तो सबकी छुट्टी है, तो पर हमें जाना है तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे। और चलिए चलते हैं मंदिर में, अभी तो है ही लाइन, धीरे धीरे जा रही है, शायद मुझे लग रहा है 15-20 मिनट तो हमें मंदिर पे पहुंचते में हो ही जाएगा। डेफिनेटली या ये देखिए फ्रेंड्स, चारों ओर से लाइन है, सामने के साइड से भी, ये हमारी और ये साइड भी पूरी लाइन, पता नहीं ये तो कहां तक है वो भी नहीं पता अभी, कुछ और ये सब ये लाइन सब जा रही है बस सब मंदिर में, ये देखिए सामने जा रही है सब। फाइनली एंट्री हुई है एटलीस्ट मंदिर में, और पार्किंग लॉट पूरा फुल आज, कोई बात जो ऊपर से Thank you.
प्लीज मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर मिल्क प्लीज मूव फॉरवर्ड। बहुत ही मस्त अच्छे से दर्शन हो गए, आरती भी हो गई, और इतना अच्छी बात हुई कि आरती के टाइम ही हम महादेव जी के एकदम सामने खड़े थे और तभी आरती शुरू हुई, तो वहीं पे उन लोगों ने सबको रोक लिया और जो जहाँ थे वो वहीं पे रहे। हाँ, तो मस्त अच्छे से दर्शन हुए, मस्त आरती भी हुई और अच्छे से प्रसाद भी मिल गया। बहुत मस्त अभिषेक भी इतना मस्त हुआ, अभिषेक भी मस्त हुआ और जो हवन किया हुआ था वो धूप और सब कुछ ले लिया। हर महादेव, तो चलिए महादेव जी का आशीर्वाद रहा, तो देखा सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइम पर हुआ, एकदम मंदिर के गेट के सामने हमें पार्किंग भी मिला। हाँ, सब कुछ हर हर महादेव, उनका आशीर्वाद है। चलिए तो फ्रेंड्स, ब्लॉग का एंड भी आज यहाँ पे ही करते हैं मंदिर के साथ, और आप सबको हमारी तरफ से पूजन डायरीज की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। तो आप सब पर महादेव जी का आशीर्वाद रहे, नया साल भी बहुत अच्छा रहे, और बस ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद लेते रहिए और अच्छे से टाइम को सबके साथ बिताया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वापस ऐसे ही, तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए और हर हर महादेव। मंदिर से निकलने के टाइम ये देखा था और लाइन देखी, अभी भी उतनी ही है। डायरेक्ट जो मेन रोड लगता है वहां तक की लाइन है, माय गॉड, अब भी जाके ये खत्म हुई। ऐसे खेल खोज ठीक है।